वेलकम टू माय चैनल। नाज़रीन, जैसे कि आप सब जानते हैं कि गर्मियों का सीज़न शुरू हो चुका है और गर्मियों में अक्सर लोगों की स्किन जो है वो डल हो जाती है। कद्दू गुबार और धूप की तपश की वजह से स्किन की जो शाइन है वो ख़त्म हो जाती है। तो नाज़रीन, इस सब के मसाइल के लिए मैं आज आपके साथ जो है वो एक क्रीमों का फार्मूला बताऊँगा जो स्पेशली गर्मियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इससे आपकी जो स्किन की चमक है चेहरे की वो जो है वो बढ़ जाएगी और जो उसकी जो कम्प्लेक्शन है उसमें इजाफ़ा होगा। तो नाज़रीन, इसके लिए हमें जो जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले नाज़रीन हमें फ़ायदा क्रीम की एक ज़रूरत होगी, उसके अलावा नाज़रीन स्किन वाइट क्रीम और तीसरे नंबर पे नाज़रीन मीना क्रीम है उसकी ज़रूरत होगी। और नाज़रीन इन तीनों क्रीमों के अलावा जो चौथी क्रीम है वो है गोल्डन पर्ल की क्रीम। इन क्रीमों के अलावा आपको जो है वो कैप्सूल की ज़रूरत होगी। कैप्सूल नाज़रीन दो तरह के होते हैं, एक जो है वो वाइटनिंग के होते हैं जो कि मेरे हाथ में है, जो वाइटनिंग के कैप्सूल है यानी कि स्किन को वाइट करने के लिए होते हैं। और इसके अलावा नाज़रीन जो है वो दूसरे कैप्सूल होते हैं विटामिन ई के। नाज़रीन विटामिन ई और वाइटनिंग के कैप्सूलों में फ़र्क होता है। वो विटामिन ई के कैप्सूल जो हैं वो चेहरे की शाइन और चमक को बढ़ाने में मददगार साबित होते हैं और जो के वाइटनिंग के कैप्सूल हैं वो चेहरे की रंगत को बुराने में यानी कि रंग को साफ़ करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर आपके चेहरे पे दाने वगैरह एक्नी वगैरह हैं तो आप जो है इसमें जो है ब्लेसो की एक्निया क्रीम जो है वो डाल लें। अगर नहीं है तो आप जो है जो ब्लेसो की क्रीम है ये आपने इस्तेमाल नहीं करनी। इसके इस्तेमाल से आपके चेहरे की जो शाइन है वो बढ़ जाएगी और आपका जो रंग है वो फेयर हो जाएगा। नाज़रीन, आप बात कर लेते हैं इसको बनाने की। जो ये मैंने क्रीमें आपको बताई हैं जिसमें फ़ायज़ा स्किन वाइट मीना और गोल्डन पर्ल की क्रीम है, आपने एक जैसी मकदार किसी बर्तन में डाल के अच्छी तरह मिक्स कर लेनी है। मिक्स करने के बाद आपने इसमें वाइटनिंग के कैप्सूल जो हैं वो 6 अदद डालने हैं। अगर आपने वाइटनिंग के कैप्सूल नहीं डालने, आपने विटामिन ई के कैप्सूल डालने हैं तो वो आप इसमें जो है वो 10 डालने हैं क्योंकि उनकी जो मकदार है वो कम है और वाइटनिंग कैप्सूल जो है उनकी मकदार जो है कम है। इसके अलावा नाज़रीन, अगर आपको शाइयाँ वगैरह चेहरे के ऊपर डार्क सर्कल बन गए हैं तो उसके लिए आप जो है वो विटामिन ई के कैप्सूल मार्केट से मिलते हैं वो या सैंगोबियन के कैप्सूल मेडिकल स्टोर से मिलते हैं, वो साथ रोज़ाना एक इस्तेमाल करेंगे तो जो आपके डार्क स्पॉट हैं वो और डार्क सर्कल हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। ये जिल्द का कुदरती निज़ाम बहाल करके इसे मुनासिब नमी फराहम करती है और दौरान खून को बहाल करके स्किन के टिश्यू को मजबूत करता है, इस जिससे जिल्द पर ताज़ा खलियों के बनने की रफ्तार जो है वो मजबूत हो जाती है और इससे बनना शुरू हो जाती है। तो नाज़रीन, आपको एक दफ़ा फिर बताता चलूँ कि अगर आपने जो है वो क्रीम वाइटनिंग के लिए बनानी है तो आपने ब्लेसो की क्रीम जो है वो जो एक्नी क्रीम है वो आपने नहीं डालनी और आपने सिर्फ जो है वो फ़ायज़ा गोल्डन पर स्किन वाइट और मीना क्रीम जो है वो डालनी है और इसमें वाइटनिंग कैप्सूल डालने हैं। और आपको एक्नी का मसला है तो आपने इसमें एक्नी क्रीम ब्लेसो की डाल लेनी है।